अगर हेल्थ इशू ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कई कई को एक बार जब गोचर में आ जाती हैं चीज़ें, तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, या फिर कि एक बीमारी गई दूसरी आ गई, मतलब बॉडी पे प्रॉब्लम आ रही है, तो अब तुरंत उठाइए इसको, कुंडली को देखा आपने कि मून मरकरी है, और डेली हैबिटेशन में डाल दीजिए, ज़मीन पे बैठ के खाना खा, ग्रीन मैट बिछा के खा, तो उसकी बॉडी हमेशा रिलैक्स रहेगी। ठीक है ना? और जितना ये अपने आप को एक्टिवेट रखेगी, मार्स के संग राहु जुड़ा हुआ है, घर से बाहर जितना खेलेगी वगैरह अगर ज्वाइन करेगी, तो उतना उसको फायदा रहेगा। एक्सरसाइज करे, घर से बाहर करे, जिम इसके लिए बहुत अच्छी है। इसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्विमिंग करे, स्विमिंग भी बहुत अच्छी है, पानी में एक्सरसाइज हो जाएगी इसकी। इस तरीके से हमें इस चीज को समझना है। तो मार्स के संग जो भी हमारे प्लेनेट जुड़ रहे हैं, उनको हमें अलाइन करना है बॉडी के लिए। ठीक है? जैसे अब इसकी मैंने कहा कि बॉडी को हमें इसको सही रखना है, तो मून जुड़ा है तो पानी से जुड़ी रहे, पानी की एक्सरसाइज, जितना ये तैराकी करेगी उतना इसकी बॉडी अच्छी रहेगी। ठीक है? मून मार्स राहु तीनों उसमें ऐड हो गए, और तब इसका पढ़ने में भी मन लगेगा, क्योंकि इसकी बॉडी एक्टिविटी मांगती है कि उसे एनर्जी करनी है, एनर्जी निकालनी है अपनी बॉडी में से। ठीक है ना? मार्स के संग जो भी प्लेनेट जुड़ेंगे, उससे रिलेटेड एक्टिविटी करनी है बॉडी के लिए। अगर सन जुड़ जाता है मार्स के संग, तो सूर्य नमस्कार करें। मार्स जुड़ गया है, मार्स के संग मून जुड़ गया है, तो मानसिक शांति भी प्रॉब्लम रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती है, क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है, तो इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप इसको जितना रोकोगे उतना ही आगे, अभी तो छोटी है, आगे चल के परेशान हो जाएगी, आपने इसे बांधना चाहा ना, तो ये परेशान हो जाएगी, इसको अपनी बॉडी में से पसीना निकालना ही निकालना है। वो इसको एक कहते हैं ना, सुकून मिलता है, वो चीज़ है, कंपलसरी है ये इसके लिए। तो बॉडी हमें कैसे सही रखनी है, पहले ये आपको समझ आ गया। अब बात आती है कि बड़ी बीमारी जिसे हम कहते हैं,